आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिए बिना ही हमला बोलते हुए कहा कि वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, जबकि उन्होंने गुजरात चुनाव के दौरान खुद कराची से प्लेन मंगाकर ड्रामा किया था। ये लोग अफवाहों की पार्टी चलाते हैं, भाजपा के सब लोग अफवाह फैलाने में माहिर है। इन लोगों ने तो देश भर में गणेश जी को दूध पिलाने की अफवाह तक फैलाई थी। इन लोगों का सामना करने के लिए आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर सामना करना पड़ेगा। संजय सिंह मुरादाबाद में एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे, जिसके दौरान ये सभी बातें संजय सिंह ने कही। ताजमहल तक भेज देती है, ताज कॉरिडोर का अपना पूरा कुनबा ही पूरी पार्टी बना दिए, उनसे भी लोग तंग है उबे हुए। थाने नीलाम होते थे समाजवादी पार्टी की सरकार में भी, गुंडागर्दी चरम पे थी, दंगे फसाद की राजनीति चलती थी, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, और इन सारी पार्टियों से उबकर जब लोगों ने भाजपा को दिया तो योगी बाबा का कहना ही क्या है, 4 महीने में 1000 बच्चे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में अकेले मर चुके हैं। ऐसे हालात यहां पर पैदा किए गए हैं जिसकी चर्चा की जाएगी तो शायद बर्थडे का केक काटते हो और भारत माता की जय लगाते हो, गुजरात का चुनाव जीतने के लिए कराची से जहाज मंगाते हो और भारत माता की जय लगा के हमको बेवकूफ बनाते हो। ये राजनीति बंद करना पड़ेगा। इसलिए इसके लिए हमारे कार्यकर्ताओं के पास प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हम ये भाजपाई अफवाह फैलाने वाली कंपनियों से बहस कर सके। अफवाह फैलाने की नंबर एक की कंपनी है भाजपा, और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं दुनिया में नंबर एक पर। 3 घंटे में पूरे दुनिया में गणेश जी को दूध पिला दिया था इन्होंने, और जो कहता था हमारा नहीं पिए बोले पाप की हो गई इसीलिए नहीं पिए, ऐसे लोग हैं। इसलिए इनसे बहुत वैचारिक रूप से आपको प्रशिक्षित होकर तैयार होकर इनसे लड़ना पड़ेगा। एक जबरदस्त शुरुआत आपने उत्तर प्रदेश में की है, लेकिन अगर यहां आप थम गए, रुक गए, बैठ गए, तो ये मान के चलिए कि जो अभी इस परिणाम से ऊर्जा आई है वो फिर आगे नहीं बढ़ पाएगी। मैं धन्यवाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।